वेलकम दोस्तों, जीत गए, मजा आया। सेमीफाइनल में जाने के चांसेस अभी बाकी हैं। अब हम सब दुआ करेंगे साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार जाए। मैं तो कहता हूं अगर साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से जीत भी जाए तो साउथ अफ्रीका को डिस्क्वालीफाई करा देंगे। खैर, पिक्चर अभी बाकी है। बेहतरीन किस्म का धुआंधार टूर्नामेंट हो रहा है। चार चार मैच तमाम टीमें खेल चुकी हैं और दोनों पूल में तकरीबन चार चार टीमें जो हैं वो किसी न किसी तरह से सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हैं। और अब तमाम टीमों के पांचवें मैच ही फाइनली डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीमें सेमीफाइनलिस्ट होंगी। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया, साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया और इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। ये होना था। मैंने अपने टूर्नामेंट के प्रीव्यू में यह बात बोली थी कि अमूमन टॉप टीमें आपस में एक दूसरे को हराएंगी और जो टीम कोई छोटा मैच हारेगी वो हॉट वाटर में होगी। और इस वक्त हमारी जो कंडीशन सबसे ज्यादा खराब है वो इस वजह से है कि हमने अपना मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट लूज किया। इंडिया की शिकस्त ने हमें दो पॉइंट लूज, इंडिया की शिकस्त बहरहाल शिकस्त थी लेकिन बराबर की टीमें थी और एक इंतहाई नैरो मैच था। लेकिन जिम्बाब्वे से हमें नहीं हारना चाहिए था, ये बार बार हमें याद आएगा। हारिस यू ब्यूटी 11 बॉलों पे 28 रन बना के, बल्कि रन तो उसने 10 बॉलों पे 28 रन बनाए हैं। वो 280 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया, 11वीं बॉल पे तो वो आउट हो गया। उसके बाद इफ्तिखार ने जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करते हुए स्ट्राइक भी संभाला और फिर नवाज और शादाब के साथ स्कोर को उस जगह तक पहुंचाया जो हमारे लिए एक आइडियल स्कोर था। शादाब की जो बैटिंग है वो आम बैटिंग नहीं है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिच पे 20 बॉलों पे 50 बनाना इतना आसान काम नहीं है। शादाब, रिजवान और वसीम ये हमारे लिए क्रिकेट में वो दौर वापस लेकर आ सकते हैं जो एक ज़माने में अजहर महमूद, अब्दुल रज्जाक और वसीम अकरम करते थे। आप लोग याद करें, मोइन खान, अजहर महमूद, अब्दुल रज्जाक और वसीम अकरम आखिर में आते थे। ये चांददारा कंपनी 10 ओवर में 100 रन बनाने की सलाहियत रखती थी, किसी भी टीम का भुरकस निकाल देते थे किसी भी पिच पे, किसी भी ग्राउंड में। तो ये अब हमारी टीम का जो ये लोअर ऑर्डर है ये एक बेहतरीन है। टॉप ऑर्डर पे तो हमारे पास जाहिर है दुनिया के सबसे अजीम दो बैट्समैन हैं तारीख के, तो उधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी सिर्फ मिडल ऑर्डर है और अब लोगों को यकीनन ये महसूस हो रहा होगा कि इस टीम में अगर शोएब मलिक होता और हफीज भी होता तो शायद हमारी बैटिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होती, बहुत स्ट्रेंथ होती। इसी टीम ने साउथ अफ्रीका को हराया है। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि इस टीम में पोटेंशियल है, ये खिलाड़ी टैलेंटेड हैं लेकिन ये फोकस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। अगर ये फोकस हो, ये डिसिप्लिन हो और ये तय कर लें कि इनको जीतना है तो फिर ये किसी भी टीम को रगड़ सकते हैं। और आज साउथ अफ्रीका को इन्होंने जिस तरह से रगड़ा है, आज साउथ अफ्रीका ऑल आउट होते होते बची है। 14 ओवर में ऑल आउट करने जा रहे थे हम और ये रिकॉर्ड तो हमारे पास है। सामने वाली टीम को सबसे ज़्यादा बार ऑल आउट करने का रिकॉर्ड हमारे पास है 2020 में। और आज हम कोशिश कर रहे थे कि 14 ओवर में भी सामने वाली टीम को ऑल आउट कर दें। बहरहाल, गुड लक। बहुत सारे कंट्रोवर्सीज चल रही हैं लेकिन एक मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि यह एम्पायर के जितने भी कंट्रोवर्शियल डिसीजन हैं उनका हर बार फायदा जो है ना वो इंडिया को क्यों पहुंचता है। वो गोलमाल फिल्म में था ना, वो ढोल फिल्म धमाल फिल्म में था ना, वो हर बार जो है ना जावेद जाफरी आगे आ जाता था। तो इसी तरह से हर बार जब एम्पायर का कोई गलत फैसला होता है तो इंडिया जो है ना वो बेनिफिशियरी होता है। इस पे लोगों को सोचना होगा। कंट्रोवर्सीज इंपायरिंग में होती रहती हैं लेकिन अगर तमाम कंट्रोवर्सी के बेनिफिशियरी एक ही मुल्क हो तो फिर उस पे सोचना पड़ेगा। आगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका सेमीफाइनलिस्ट की दौड़ में है। इधर साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी सेमीफाइनल की दौड़ में है क्योंकि नीदरलैंड अगर साउथ अफ्रीका को हराता है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच जो जीतेगा वो सेमीफाइनल खेलेगा। पिक्चर अभी बाकी है। अब वक्त है, दो दिन हमने दुआ करनी है कि साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार जाए ताकि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। आज की परफॉर्मेंस ने ये उम्मीद दिला दी है कि अगर हम क्वालिफाई कर गए तो हम फाइनल के लिए भी फाइनल भी ज़रूर खेलेंगे और फाइनल अगर खेल गए तो इंशाल्लाह जीत कराएंगे। पाकिस्तान आज खुश कर दिया है। अगले किसी व्लॉग में शुक्रिया।